दंतेवाड़ा उपचुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह चुनाव प्रचार के लिए दंतेवाड़ा पहुंचे। उन्होंने पत्रवार्ता के दौरान कहा कि जितने विकास कार्य थे वे कांग्रेस सरकार में ठप हो चुके हैं। सरकार से घोषणा करने की सरकार बनी है। मंगतूराम टेप कांड के मामले में रमन सिंह ने कहा कि धारा 164 तो उपी सरकार के घर की है। अपराधियों के कहने पर एसटीआईटी का गठन किया जाता है। जनता समझ चुकी है, जल्द ही जवाब मिलेगा। दंतेवाड़ा चुनाव जिन मुद्दों पे हम लड़ रहे हैं, ये दंतेवाड़ा के 15 साल के विकास का मुद्दा है और निश्चित रूप से भीमा मंडावी की शहादत का मुद्दा है। मुजस्वी मंडावी को बाकी समय के लिए कार्यकाल के लिए विधायक यहाँ से बनाने के लिए मुद्दा है और कांग्रेस सरकार के 9 महीने में जो असफलता हुई है उस असफलता को यहाँ की जनता सबक सिखाएगी। दंतेवाड़ा की पहचान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में राष्ट्रीय स्तर में हो, यहाँ का एजुकेशन हब, यहाँ का BPO, यहाँ के हॉस्पिटल को अपग्रेड करने का काम और लाइवलीहुड कॉलेज की स्थापना, दंतेवाड़ा को एक शिक्षा के गढ़ के रूप में स्थापित किया और आज दंतेवाड़ा न केवल दंतेवाड़ा में बल्कि गीदम में, बचेली में, सुकमा में गौरवपथ का निर्माण से लेकर यहाँ के पेयजल योजना के लिए 200 करोड़ रुपया इस जिले के लिए दिया गया और सड़कों का जाल पुल पुलिये बिछाने का काम हमने किया। आज वो सारे काम ठप हैं, विकास के काम रुक गए हैं और आज मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री को उन क्षेत्रों में जाने से रोका जा रहा है जहां में सड़कों का निर्माण हमने किया, उन क्षेत्रों में जाने से रोका जा रहा है जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता जा रहे हैं। प्रशासन को इस उस क्षेत्र में मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इलेक्शन है और इलेक्शन के कैंपेनिंग के लिए जब मैं आया हूँ तो उस क्षेत्र में जाने से लिखित रूप से कागज देकर रोका जाता है। इसका मतलब यह है कि सरकार डरी हुई है, सरकार को भय है कि डॉक्टर अमन वहाँ पहुँच गया तो इनके जो पराजय है वो पराजय और बड़ी पराजय। सर, पूर्व मुख्यमंत्री को जब रोका जा रहा है तो आम छोटे कार्यकर्ता कैसे पहुँचेंगे? सर, चुनाव कैसे लड़ेगी दंतेवाड़ा में? चुनाव बीजेपी लड़ेंगे, लड़ रहे हैं और जैसे भी सरकार का जो तंत्र है उसको तोड़ के लड़ेंगे। एक आरोप लगाया है सीएम साहब ने 36,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, 21 लाख राशन कार्ड का जो है ना चावल और नमक का है। अरे राशन कार्ड पंचायत ने बनाया था, कोई डॉक्टर रमन बनाया राशन कार्ड, उसको समझ में नहीं आता क्या? जब से ये राशन कार्ड को निरस्त भी हमने किया और देश का सबसे बेहतर PDS सिस्टम बनाया और देश में इसकी लोकप्रियता हुई, उस वही चावल तो अभी दे रहे हैं हम। भूपेश ने ना चावल दिया, भूपेश ने नमक दिया, भूपेश ने चावल दिया, सिर्फ फोटो दिखा रहा है, वो फोटो चश्मा कर रहा है। ये सारी योजनाएं डॉक्टर रमन ने शुरू की थी, जिस योजना को बंद कर दिया, चना बंद कर दिया, नमक बंद कर दिया, लोकसभा में जब पूरी तरह से पराजित हुए तो आज उनको होश आ रहा है तो फिर से चना और नमक की योजना शुरू कर। ये सरकार उन सारी योजनाओं को ला रही है जिसको उन्होंने बंद किया था, षड्यंत्र पूर्वक चुनाव की दृष्टि से लाया जा रहा है, बाद में पता नहीं इसका क्या हासिल होगा।